हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बड। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग हेयर ऑयल की रेसिपी, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कुछ मैं ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और जो आपकी बालों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे और बालों की जड़ों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और नए बालों को रीजनरेट करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है, आज की लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक मैंने ड्राई अनियन ली है जो बाहर से काफ़ी ड्राई रहे, और बस इस अनियन को मैंने क्या करना है, इसका ये सारा छिकल हटा के इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेना है। इसको हमें पीसना है, तो हमें पीसने के टाइम इसमें पानी नहीं ऐड करना है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको एक ड्राई अनियन लेना है जो बाहर से थोड़ा सा सूखा सूखा हो, और कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट करके उसको हमें पहले थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए इसको पीस लीजिए। देन इसका ड्राइनेस को हटाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। तो उसके लिए हमने देखिए अभी थोड़ा सा इसका पीला कलर हो गया है। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और 1/2 कप के अराउंड हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स, जो कि मीठा नीम भी बोलते हैं इसको। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, अगर आप इसको डालेंगे तो ये कंडीशनर का काम करती है। तो देखिए अब मैंने क्या करा है, एक लोहे की कढ़ाई ले ली है भारी तले की, क्योंकि हमारा जो ऑयल है इसको आधा पौन घंटा हमें पकाना होगा, तो हमें भारी तले की बिल्कुल लो मीडियम पे हमें पकाना है, तो हमें तले की कढ़ाई चाहिए रहेगी। आयरन की हमने कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि हमें इसमें ही पका के हमारा ऑयल बहुत ही अमेजिंग बनेगा। तो देखिए हमने जितना भी पेस्ट हमने इसमें निकाल लिया है, उसमें मैंने करीब 1 कप के अराउंड फिर से मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल लिया है, कच्ची धानी का तेल कहते हैं इसको। तो देखिए ये हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। मैं बचपन से ही सरसों का तेल लगाती आई हूँ, और सरसों के तेल से बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ऐड करना है। फिर 1/2 कप के अराउंड मैंने यहाँ पर कोले का तेल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो जो अरंडी का तेल आता है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, ऑर्गेनिक है, और बहुत ही अच्छा ये ऑयल तैयार होगा हमारे बालों के लिए। मैं आगे आके बताती हूँ मैंने इसमें कुछ और 1-2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाले हैं जो कि इस ऑयल को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं। और अब इसको हम सीधे तेज़ गैस पे, क्योंकि रखेंगे जिससे कि हमारा जो ऑयल है ना ये गर्म हो जाए, बस उसको तब तक हमें 2-3 मिनट के लिए पैन को थोड़ा सा गर्म करने के लिए ही तेज़ गैस पे रखना है। और उसके बाद हमें इसको बिल्कुल स्लो गैस पे रखना है, बिल्कुल अगर 10 नंबर है तो 2-3 पर ही रखना है, और उसको आधा पौन घंटे के लिए पकाना है। क्योंकि हमें तेज़ पे पकाएंगे तो ये मसाला जितना भी है ना ये सब जल जाएगा, हमें जलाना नहीं है। ऑयल का कलर बिल्कुल डार्क नहीं करना है, हमें पकाना भी है और ऑयल का कलर भी हमारा बिल्कुल अच्छा सा रहना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको पकाते रहना है, और मसाला जलना नहीं चाहिए, और इसलिए बीच बीच में चलाते रहिए और आधा पौन घंटे के लिए रख दीजिए और बस इसको पकते रहने दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से 10-15 मिनट हो चुके हैं, और अभी हमें इसको 10-15 मिनट पकाना है। और देखिए इसका हल्का सा देखिए जो मसाला है कलर बदलने लगा है मसाले का, और कुछ इस तरीके से हमें हमारा ऑयल तैयार हो गया है। आधा पौन घंटा हमने इसको पकाया है और बहुत ही अमेजिंग हेल्दी ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बालों के लिए इतना हेल्दी है। और ये ऑयल से क्या, आप इसको ठंडा कर लीजिए बनने के बाद, और इस तरीके से कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके तेल में आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अनइजीनेस लगेगी, तो इसलिए इन पार्टिकल्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ इस तरीके से सारा ये निकाल दीजिए, सारा मसाला ये जितना भी है, और तेल नीचे निचोड़ लीजिए, और कुछ इस तरीके से ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप ये ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी पहले भी मैंने एक रेसिपी शेयर की थी ऑयल की, तो वो भी बहुत हेल्दी ऑयल था, उसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। अभी मैंने फिर से ये ऑयल बनाया और इसको भी मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तब जाके मेरे को रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव दिखाई दिए, तभी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस और ये जो हम हेयर ऑयल बनाते हैं ना अनियन का, इसमें जब हम कोकोनट ऑयल जो मिक्स करते हैं उससे हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत बढ़िया रहती है।
जाती है, जो बाल बीच बीच में से टूट जाते हैं वो बहुत कम हो जाता है। और देखिए कुछ इस तरीके से अब इसको हैंग करके रख दीजिए रुमाल को, और इसमें से जितना भी निकलेगा एक बोल में निकल जाएगा आराम से, और बाद में हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये तेल बनाइए, और मसाज करने के बाद ना इसको, इसमें आप चाहें तो स्टीम भी ले सकते हैं, गर्म पानी में भिगो लीजिए टॉवल, उसको अच्छे से रैप करके आधा पौन घंटे के लिए रखिए, उससे बालों को बहुत आराम पड़ता है। और देखिए लास्ट में हमने ऐड किया है, यहाँ पर मैंने 3 स्मॉल साइज़ के विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ के यूज़ करेंगे तो 2 ही करिएगा, और बस मिक्स कर लीजिए। और ऑयल जब भी यूज़ करें ना तो डबल बॉयलर की प्रोसेस से कीजिए, लाइक अगर आपने पैन में गर्म पानी किया है तो जिसमें आपने बाउल में अपना ये ऑयल आपको गर्म करना है तो उसको आप गर्म पानी में रखिए, तब वो गर्म होगा उसकी हीट से। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट गैस पर रख दिया और फिर आपने उसको मसाज के लिए यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं करेगा। और प्लस इसमें प्याज में तो एंटी बैक्टीरियल जो बेनिफिट होते हैं वो होते हैं, सल्फर की जो इसमें प्रेजेंस होती है ना उससे बालों को जो पोषण मिलता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और ये ऑयल आपकी बालों के लिए हर तरीके की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई करके, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।